मूवीज लाइक जॉन विक आर एसेंशियली एड्रेनलिन सिनेमा। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट बीट को बढ़ाता है और ये सोचते हुए कि आगे क्या होगा आपको सीट के एज पे टिकाए रखता है। ये आप पोस्टर देख के भी बता सकते हो। भले ही मूवी एक काम टोन के साथ शुरू होता है, लेकिन हमें पता होता है कि आगे जॉन विक अपना सेल्फ कंट्रोल खोएगा। देयर विल बी मेल्टडाउन एंड द पेस ऑफ द मूवी विल चेंज फॉरएवर। और ये मेल्टडाउन जॉन के लिए तब नहीं होता जब उसकी वाइफ मरती है, तब नहीं होता जब यूसुफ उससे रूड तरीके से बिहेव करता है गैस स्टेशन पे। ये तब होता है जब यूसुफ और उसके दोस्त उसके घर में घुस के उसके पपी को मारता है, विच वॉज गिफ्टेड बाई हिज लेट वाइफ, और उसके कार को लेके फरार हो जाता है। पपी के मरने का इमोशनल एंग्विश के साथ साथ ये एक इंसल्ट भी होता है जॉन विक के लिए। यू कान जस्ट ट्रेस पास मिस्टर विक्स प्रॉपर्टी एंड हिट हिम। ये कोई डेयर नहीं करेगा अगर उसे पता है वो है कौन। वी रियली इन्जॉय जब हम बाकी क्रिमिनल्स के चेहरे पे खौफ देखते हैं जॉन विक के नाम पे। उनके चेहरे का जो रंग उड़ता है वो हमें अच्छा लगता है, और सबकॉन्शियसली सही हम खुद से ये पूछते ज़रूर हैं कि इस इंसान का अतीत कैसा रहा होगा, वट काइंड ऑफ हिस्ट्री दिस मैन हैज़ जो ये लोग इतना डर रहे हैं। और ये हमें और भी डेस्परेट कर देता है उसे एक्शन में देखने के लिए। इस मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग भी काफ़ी फैसिनेटिंग है। वर्ल्ड बिल्डिंग मतलब जहाँ स्टोरी चल रहा होता है, जगह, चीज़ें, छोटी छोटी डिटेल्स जो स्टोरी को और भी रियलिस्टिक और विश्वास करने लायक बनाती है। और इस चीज़ पे भी काफ़ी डिटेल दिया गया है जॉन विक में, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ नॉट जस्ट जॉन सीकिंग वेंजेंस किलिंग डजंस ऑफ पीपल, दिस इज़ द माइथोलॉजी ऑफ जॉन विक। जो होटल के रूल्स होते हैं, मार्कर्स एंड ब्लड ओथ, वहाँ के करेंसी का जो ट्रांजेक्शन वैल्यू होता है, अंडरवर्ल्ड के दुनिया का जो पावर स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। मच ऑफ हु वी आर इज हाउ वी रिएक्ट टू थिंग्स अराउंड अस, द इम्प्रेशन दैट वी टेक। हमें किस तरह के लोगों से इंटरेक्ट करने को मिलता है, हम अपनी चीज़ों से खुद को कितना आइडेंटिफाई करते हैं, हमारी सिचुएशन, पास्ट एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें साथ ही जेनेटिक इन्फ्लुएंस हमारे कैरेक्टर को बनाता है या उभारता है। जॉन विक के चारों ओर जो कॉम्प्लिकेटेड अंडरवर्ल्ड सिनेरियो होता है, जो उसकी सिचुएशन होती है, अपनी वाइफ को खोने के बाद अंडरवर्ल्ड के दुनिया में फिर से वापस आना, रूल्स तोड़ना, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना, ऑल दीज थिंग्स एड टू द कैरेक्टर ऑफ जॉन विक एंड रिवील्स टू अस हु दिस पर्सन रियली इज़। इस वीडियो में हम जॉन विक के बारे में बात करेंगे, उसके चारों ओर चल रहे सिचुएशंस और इंसिडेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, उसे उसके प्रॉब्लम्स के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। सो या लेट्स डाइव इनटू द शैडोई वर्ल्ड ऑफ दिस पर्सन, और व्हाट वी यूजुअली से 5 रूल्स ऑफ जॉन विक। नंबर 1, वेपन ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप सिनेमेटोग्राफी देख के बता सकते हो कि एक्टर को फाइटिंग के बारे में कितना पता है। अगर सीन काफ़ी चॉप्ड अप है, बहुत ही जंप कट्स है, कैमरा काफ़ी शेक कर रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये चीज़ स्टंट डबल को छिपाने के लिए किया गया है। लेकिन जॉन विक मूवी फ्रेंचाइज का एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट होता है और जिसके लिए वो काफ़ी चर्चा में भी था, वो है इसका एक्शन कोरियोग्राफी। हर एक फाइटिंग सीन बहुत ही खूबसूरत है, इट डजंट लुक फेक। आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है स्क्रीन पे, कौन किससे लड़ रहा है। एज अ फिल्म मेकर ये चीज़ आप तब कर सकते हो जब आपका एक्टर प्रिपेयर्ड और स्किल्ड हो, आपको स्टंट डबल पे ज़्यादा निर्भर रहना नहीं पड़े। कैनो जिस परफेक्शन और ऑथेंटिसिटी के साथ इस रोल को प्ले किया, इट इज़ इम्पेकेबल। ही ट्रेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स टू गेट थिंग्स राइट, जूडो, जुजुत्सु, शूटिंग। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज़ है जॉन विक का, वो उसका गन स्किल या फोकस नहीं है। आई थिंक द मोस्ट डेंजरस थिंग अबाउट जॉन विक कि वो कोई भी मामूली सा चीज़ को बहुत ही वायलेंट तरीके से यूज़ कर सकता है। हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड वाइल फाइटिंग इज एक्स्ट्रॉर्डनरी। वो कभी निहत्ते नहीं होता, वो किसी भी चीज़, पेंसिल, बुक, बेल्ट, फ्रेंकली उसके हाथ जो भी लग जाए वो उससे मार सकता है। ही वेपनाइजेज अपॉर्चुनिटी, ये चीज़ है जो उसे इतना इनविंसिबल बनाता है। आप एक चीज़ के लिए प्रिपेयर हो सकते हो, दो चीज़ के लिए प्रिपेयर हो सकते हो, 10 चीज़ के लिए हो सकते हो, बट यू कान बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड पर रिलाई करना पड़ेगा, कैसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में किसी अपॉर्चुनिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना, यह डिसाइड करेगा कि आप सर्वाइव करोगे या नहीं। एटलीस्ट इट डज इन द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक। नंबर 2, ही प्रेफर्स टू बी अलोन। फिक्शनल स्टोरीज़ में प्लॉट सिर्फ कैरेक्टर के लाइफ को आगे बढ़ाता ही नहीं है, बल्कि उसे चेंज भी करता है। सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टर को इवॉल्व करता रहता है। फिल्म या सीरीज़ के शुरुआत से लेकर अंत तक एक कैरेक्टर अर्क बनता है, और ये अर्क उसके इनर जर्नी और ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है।
जॉन विक का जो सबसे रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन था वो अंडरवर्ल्ड के दुनिया से बाहर जा एक सिविलियन के तरह जीना। इनफैक्ट वो पिछले 5 साल से अपनी वाइफ के साथ ऐसे रह भी रहा था एज ए सिविलियन। लेकिन उसके बाद क्या होता है हमें पता है। जॉन विक बहुत ही शांत और सीरियस नेचर का है। उसे ना अटेंशन चाहिए किसी का और ना किसी से बिना वजह बकझक। अंडरवर्ल्ड में वो अपने कमिटमेंट के लिए जाना जाता है। इफ़ ही कमिट्स टू समथिंग यू नो दैट ही विल डू इट। जॉन में इमोशनल वनरेबिलिटी और मोरालिटी भी होती है। एटलीस्ट बाकी अंडरवर्ल्ड के लोगों के मामले में ही हैज़ कॉन्शियंस और ये चीज़ हम देखते भी हैं। हर कोई उसे डर के ही रिस्पेक्ट नहीं करता है। कुछ लोग उसके लिए जेन्युइनली अच्छा चाहते हैं। इनफैक्ट अपनी वाइफ के लिए अंडरवर्ल्ड की दुनिया को कम्प्लीटली छोड़ना भी उसके इस मोरल और इमोशनल साइड को ही रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन इसी इन्फ्लुएंस में वो कभी कभी वो करता है जो उसे सही लगता है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ ब्रेकिंग द रूल्स, जिसके कारण वो फोकस में आता है जो वो चाहता नहीं है। Yeah, Jonathan. जॉन एक प्राइवेट पर्सन है। उसे झुंड में रहना पसंद नहीं है। ही वैल्यूज हिज पर्सनल स्पेस। लेकिन खुद के कंपल्शन के कारण जॉन एक कभी कभी वो कर बैठता है जिससे ना उसके पास प्राइवेसी रहती है और ना पर्सनल स्पेस। ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है जॉन विक के नेचर का, कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स। नंबर 3, ऑब्सेस्ड विथ वेंजेंस। जॉन एक हिटमैन था। ही वॉज अ कोल्ड एंड रिमोर्सलेस असासिन जो एक ग्लोबल क्रिमिनल नेटवर्क के लिए काम करता था। अपनी वाइफ के लिए वो इन चीज़ों को छोड़ एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू किया। शायद उसकी वाइफ को पता था मेरे जाने के बाद फिर से वो अंडरवर्ल्ड में वापस ना चला जाए, सो शी गिफ्टेड हिम अ पपी एज अ रिमाइंडर ऑफ हर लव। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जॉन फिर से वापस अंडरवर्ल्ड में आ ही जाता है, एंड फ्रेंकली ही हैड इनफ रीजंस फॉर दैट। लेकिन हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि जॉन विक का एक डार्क साइड भी है। जिस खूंखार और भयावह तरीके से वो कभी कभी मारता है, इट्स नॉट ए नॉर्मल ह्यूमन थिंग। ही हैज़ ए मॉन्स्टर विद इन हिम। लेकिन उसकी मोरालिटी है जो उस मॉन्स्टर को बांध कर रखती है, और ये चीज़ वो डिनाई नहीं करता है। जॉन विक को पता है कि वो क्या बन सकता है, और वो बनता भी है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर। कभी कभी तो लगता है जैसे कि ही इज पजेस्ड बाय वायलेंस। ही बिकम्स दिस सिंगल माइंडेड रूथलेस मर्डरस फोर्स ऑफ नेचर जिसे आप कोई तर्क भी नहीं दे सकते हो। अगर उसे मारना है तो मारना है। उसमें एक अनहेल्दी ऑब्सेशन दिखता है वेंजेंस को लेके। इट सीम्स कंपल्सिव। नंबर 4, ही बिकम्स हिज इंटेंशन। क्या चीज़ किसे कहना और क्या नहीं कहना, यह चीज़ काफ़ी मायने रखता है हमारे सोशल रिलेशनशिप को मैनेज करने में। कोई भी अपने होशो हवास में किसी को भी कुछ भी नहीं कह सकता। हमें एक फिल्टर रखना पड़ता है, डिपेंड्स सामने है कौन। और यह फिल्टर हम लैंग्वेज के थ्रू क्रिएट करते हैं। लैंग्वेज हमें यह कंट्रोल देता है कि किससे क्या कितना शेयर करना है। कभी कभी हमारा इंटेंशन कुछ और होता है और हम बोलते कुछ और है। शब्दों से हम खुद को बयां करने के बजाय हम खुद को छुपाते भी है, जैसे कि झूठ बोलना। काम बनाने के लिए किसी की बुराई कर सकते हैं और खुद को अच्छा फील कराने के लिए किसी की बुराई। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने रियल इंटेंशन को छुपाते हैं दुनिया से। लेकिन जॉन विक इस मामले में काफ़ी अलग है। पहली बात तो वो बहुत ही कम बोलता है। ही डजंट वेस्ट वर्ड्स। लेकिन कम बोल के वो खुद को छुपाता नहीं है। इनफैक्ट वो बिना बोले ही सब कुछ बयां कर देता है। जॉन विक इज ट्रांसपेरेंट एज ए ग्लास। ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका क्या मूड है, ये उसके ड्रेस में, उसके नॉट करने के तरीके से, जिस तरह से वो देखता है जब वो खामोश होता है, एवरीथिंग रिफ्लेक्ट्स हिज माइंड। ही बिकम्स हिज इंटेंशन। जब वो हंट पे निकलता है तो लोग देख के बता सकते हैं। जॉन विक के दुश्मन को कम से कम इतना तो एडवांटेज है कि वो कभी भी बैक स्टैब नहीं करेगा। वो अगर आ रहा है किसी के लिए तो उसे अच्छे से पता होगा। हाँ, वो दूसरी बात है कि वो फिर भी कुछ कर नहीं सकता है। नंबर 5, ही इज़ पोलाइट। जॉन विक का जो लास्ट इम्प्रेशन हम सब पे पड़ता है वो एक हाइपर वायलेंट, एग्रेसिव और एलिगेंट किलर का होता है, बाबा यागा। और भले ही ये चीज़ उसके पर्सनैलिटी को नेगेटिव लाइट में क्यों ना लाता हो, बट डीप डाउन हमें लगता है कि ये बंदा सही है। या फिल्म को ऐसे दिखाया गया है कि हम उसको लेके सिंपथाइज करें, उसके एक्शंस को जस्टिफाइड समझें। वो जिसे मारता है मे बी दे डिजर्व टू बी किल्ड, लेकिन इसके बावजूद भी मिस्टर विक इज़ अ जेंटलमैन। और यह चीज़ उसके ड्रेस से ज़्यादा उसके पोलाइट नेचर से पता चलता है। पोलाइटनेस को जनरली लोग बचपन का सो कॉल्ड मैनर समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन पोलाइटनेस इज़ वेरी एसेंशियल टू द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। आई थिंक बींग पोलाइट इज इवन सेक्सी, एटलीस्ट जॉन विक इज़। एक्टर्स के लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कभी भी उनका रियल लाइफ पर्सोना उनके ऑन स्क्रीन कैरेक्टर पे भारी नहीं पड़ना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो उसकी ऑन स्क्रीन रोल की ऑथेंटिसिटी और इमर्जन खत्म हो जाती है। भले ही इट्स द एक्टर हु इज़ प्लेइंग द रोल, बट स्टिल एक्टर इज़ ए पुअर सब्स्टिट्यूट फॉर द कैरेक्टर ही प्लेज।
कैरेक्टर्स एक्टर से कहीं ज़्यादा होते हैं, और क्योंकि दे आर द फिगमेंट्स ऑफ आवर इमेजिनेशन तो मोस्ट केसेस में उनका कोई मैच ही नहीं है रियल लाइफ में। लेकिन कभी कभी हम ऐसे रोल्स को भी देखते हैं जहाँ एक्टर के रियल लाइफ पर्सोना उसके ऑन स्क्रीन रोल को और भी निखार देता है, वो कैरेक्टर को और भी उभार के सामने लाता है, और जॉन विक में यही होता है जब हम उसके पोलाइट नेचर को देखते हैं। How much for the car? She's not for sale. जिस लो टोन और ह्यूमिलिटी के साथ वो बात करता है, इट रिमाइंड्स अस ऑफ कियानो हिमसेल्फ, बिकॉज कियानो खुद भी एक हम्बल और पोलाइट बंदा है। देयर इज अ सर्टेन अपील इन बीइंग पोलाइट। कभी कभी लगता है कियानो इज नॉट एक्टिंग जॉन विक, ही इज जॉन विक।